जब हमारे दरमियान कोई तीसरा आया तो एहसास हुआ कि खुदा क्यों शिर्क मुआफ नहीं करता। जब लोग हमारे खुलूस को हमारी बेवकूफ़ी समझने लग जाते हैं तब इंसान को अपने मुखलिस होने पर रोना आता है। इंसान को पहले रोग लगता है, फिर सोग और फिर मकाम आता है सहने का। सह जाने के बाद न रोग की अहमियत रहती है और न ही सोग की। वो मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता जो एक से ज्यादा मुआलिजीन से मशवरा करता है। इंसान के लिए इससे बड़ा फजल व करम नहीं मिल सकता जो वालिदैन अपने औलाद को देते हैं। जब तक सख्त तकलीफ और मुसीबत से न गुजरा जाए सुकून और राहत उस वक्त तक नसीब नहीं हो सकता। जिदों का असर कबूल करना सरासर फजूल और बेकार है क्योंकि जिदे कभी यकजा नहीं हुआ करते। जितना फर्क सोने और मिट्टी के दरमियान है उतना ही जाहिल और आलिम के दरमियान है। खुदा के फजल के बाद सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है। जो इंसान लायकीनी बातों से हमेशा दूर रहता है वो सही मुसलमान है। नेक औरत दुनिया की बेहतरीन मता है। झूठे इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो जो सुनता है वो बगैर सोचे समझे आगे बयान कर देता है। उस औरत में जमा की ख्वाहिश ज्यादा होती है जिसमें ये तीन निशानियां हो। अव्वल छोटा कद, दोयम रंग सावला और सोयम जिस्म भरा हुआ।